हरे कृष्णा। तो इस आठवें श्लोक इस प्रकार है। मय्यावेश मनो मय्याएव मन आध्वस्त्व मयि बुद्धिं निवेशया निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। तो भगवान ने छठे और सातवें श्लोक में बताया कि जो अपने सारे कार्य को अभी किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान ने बताया कि जो ये भक्ति का जो मार्ग है, भगवान के प्रति भक्ति कैसे होती है, वे सारे कार्य जो है भगवान को अर्पित करते हैं, कैसे अविचलित भाव से उनकी पूजा करनी है, अपने चित्तों को भगवान पर स्थिर करना है और निरंतर भगवान का ध्यान करते रहना है। और ऐसे करने से कह रहे हैं कि मैं स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र क्या करता हूँ, उद्धार करता हूँ। तो आज इस श्लोक में भगवान फिर से ये पॉइंट को और गहरा बनाना चाहते हैं, इसीलिए कहते मुझ भगवान में। वहां पे बताया भगवान, लेकिन कौन भगवान, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। यहाँ पे भगवान बताया इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान बता दिया क्या करना है, अपने चित्त को स्थिर करना है और अपने सारी बुद्धि भगवान में लगाना है, मुझ में। भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं मय्येव मन आध्वस्त्व मयि बुद्धिं निवेश। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट कनेक्शन, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष नहीं। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उनकी स्थिति दिव्य होती है। तो भगवान के भक्त भगवान श्री कृष्ण में ही रत रहते हैं और इसीलिए प्रारंभ से ही हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि डायरेक्ट मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर कर और किसी चीज में नहीं। तो भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। ओके, पॉइंट वन। अतएव
इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उनकी स्थिति दिव्य होती है, पहले से ही स्थिति दिव्य। जैसे ही हम भक्ति में लग जाते हैं तुरंत हमारी स्थिति जो है क्या बन जाती है, दिव्य बन जाती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। इस धरातल में रहते हुए भक्त क्या है, वो सदा कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। और एक पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवान का पवित्र नाम और भगवान अभिन्न है, अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। इतनी सुंदर बात है, जैसे ही हम हरे कृष्ण कीर्तन करते, जो कोई भी, जैसे आप लोग सब दोहराते हैं, कीर्तन फॉलो करते हैं, कीर्तन गाते हैं ग्रुप में साथ साथ, तो इस प्रकार से ये विधि ऐसी है कि प्रारंभ से ही दिव्य है। और भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, बल्कि जो है कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त के जिह्वा पर नाचती है। जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं तो भगवान जो है अपने जिह्वा पर इस प्रकार नाचते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाते हैं तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त इस उच्चिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है, भोग लगाकर खाता है, कीर्तन करता है। जब कीर्तन करता है तो भगवान उनके जीवा पर नाचते हैं। तो दो चीजें हैं, जीवा का कार्य क्या है, बोलना और स्वाद लेना। तो ये दो स्वाद हो जाते हैं। पहला तो भगवान जो है, भगवान का कीर्तन करने से भगवान नाचते हैं, और दूसरा जो है भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त इस झूठन को खाकर कृष्णमय हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर है, तो ये भक्ति हम समझ रहे हैं कि कितना नेचुरल है, कितना स्वाभाविकता से और सरलता से हम इसको कर सकते हैं, और वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े बड़े योगी बहुत बहुत कठिन तपस्या के बाद प्राप्त करते हैं। तो ये है भक्ति का की खूबसूरती। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता, वह नहीं समझ पाता कि यह सब कौन से कैसे होता है। जो भक्ति में नहीं है उनको समझ में नहीं आता, ये साधारण वाक्य है या साधारण कोई स्टोरी है, बच्चों की कहानी है। इस प्रकार से यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस प्रकार विधि की संतुष्टि की गई है, तो ये प्रामाणिक है। शास्त्रों में भी हम उसको पाते हैं। और यहाँ पे इस श्लोक में भगवान जो है भक्ति की महिमा और भक्ति की शक्ति का जो है उदाहरण दे रहे हैं कि जो भी भक्ति करता है वो मुझ में वास करता है, जो भी भक्ति करता है मैं उनको इस जन्म मृत्यु के सागर से
बाहर निकालता हूँ। जो इन कुछ श्लोकों में भगवान अर्जुन को समझा रहे, क्यों? क्योंकि उनका प्रश्न ये था कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, और भगवान ने तुरंत कहा कि अगर कोई चीज या अगर कोई प्रकार का योग श्रेष्ठ है वो है भक्ति योग। और इसीलिए यहाँ पे भगवान जो है इस भक्ति योग के विषय में अर्जुन को समझा रहे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।